Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we will be learning and discussing the question answers of 3rd standard EVS, chapter number 23, Growing Up and Growing Old. So let's begin the question answers. First question hai, how will you guess? Yani ki aap kaise andaza lagaoge, kaise pata karoge? You want to guess whether a stranger is older or younger than your parents. आप किसी stranger, किसी अनजान अजनबी इंसान को देखते हो जिसके बारे में आप कुछ जानते पहचानते नहीं हो और आपको ये पता करना है कि वो आपके parents से, मम्मी पापा से old है या फिर young है. So कैसे आप पता करोगे? तो kids normally हम इसमें क्या करते हैं, उस person का appearance check करेंगे. Appearance यानी कि वो उसका कैसे वो दिख रहा है, उसके body features क्या हैं, and इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. So answer होगा, If I want to guess whether a stranger is older or younger than my parents, ये question में से हमने ले लिया, I will keenly, यानी कि बहुत ही ध्यान से observe करेंगे उसके features को, physical features को. और क्या observe करेंगे? देखो, first of all हम उसके hairs को देखेंगे. आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनकी age हो गई होती है, उनके बाल जो होते हैं वो धीरे धीरे सफ़ेद होने, यानी कि grey होना शुरू हो जाते हैं. एंड जैसे वो बहुत ही ओल्ड हो जाते हैं तो बिल्कुल ही वो वाइट हो जाता है. So whether his hair are grey or whether he is black यानी कि गंजा. बहुत सारे लोग जब 40 years of age cross करते हैं तो उनके बाल जो है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, they become black. Then we'll notice teeth. Another sign of age, when people they cross 60 years of age, उनके जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं, वो उनके दांत जो होते हैं वो टूटने लगते हैं. इसके अलावा आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि उनके चेहरे पे कितने रिंकल्स हैं. रिंकल्स यानी कि झुर्रियाँ. जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है और लूज़ होने लगती है. बिकॉज ऑफ दैट रिंकल्स आर फॉर्म्ड ऑन फेस एंड हैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थिंक एंड टेल, यानी कि आपको सोच कर बताना है, हाउ डज अ कैट मूव हर किटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जो कैट होती है वो अपने छोटे बच्चों को, किटल को, एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेकर जाती है. बिकॉज जो किटल होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते. सो कैट क्या करती है, अपने किटल को उसके नेक के एरिया पे, क्योंकि नेक का एरिया बहुत ही स्ट्रांग होता है एनिमल्स का, तो नेक के एरिया से अपने किटल को पकड़ लेती है, अपने दांतों से उसको ग्रैब करती है. और उसको ग्रैब करने के बाद टाइटली एक जगह से दूसरी जगह जेंटली उसको शिफ्ट कर देती है, मूव कर देती है. So look at the answer. A mother cat moves her kittle by catching them in their neck region. Neck के पास पकड़ती है. She holds them tightly, बहुत ही tightly hold करती है, and carries them gently from one place to another. फिर gently एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जाती है. Grandfather's hair turn white. आपके grandfather हैं दादाजी, उनके बाल white हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं. Some old men show another sign of old age on their heads. What it is. But कुछ जो बूढ़े इंसान होते हैं कुछ अलग तरीके का साइन दिखाते हैं, कुछ अलग तरीके का सिंबल दिखाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो बूढ़े हो रहे हैं. सिम्टम्स कुछ और होते हैं. सो ग्रेइंग ऑफ हेयर तो पहली बात ओल्ड एज की निशानी है. सिमिलरली जो बाल होते हैं वो स्पायर हो जाते हैं, यानी कि कम होने लगते हैं बूढ़े होते होते, एंड आगे चल के वो कम्प्लीटली ब्लैडनेस यानी कि गंजापन में कन्वर्ट हो जाता है. वॉट डज ओल्ड एज, हाउ डज ओल्ड एज इफेक्ट स्किन. ओल्ड एज स्किन के ऊपर कैसे इफेक्ट लाता है? द स्किन बिकम्स लूज एंड ड्राई. स्किन लूज हो जाता है, ड्राई हो जाता है, मॉइस्चर उसमें से बहुत ही कम हो जाता है, एंड उसकी वजह से रिंकल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर. एंड ऑल्सो जैसे एज बढ़ता है तो रिंकल्स जो होते हैं, स्किन जो होती है वो और भी डार्क होने लगते हैं. बीन्स लाइक मूंग, मटकी, चावली, sprout after being soaked in water. जो beans होते हैं, seeds वाले जो pulses होते हैं, उसको जब आप पानी में भिगो कर रखते हो तो कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद sprout होने लगता है, यानी कि उसमें से नया plant grow करने लगता है. What another word will you use to describe the process? इसके अलावा आप कौन सा एक दूसरा word use करके इस process को बता सकते हो? So इसका दूसरा word है germination. Germination of seed. Germination यानी कि जो भी seed होगा जब आप उसको पानी में soak करोगे तो after few hours a small sprouting will come out of the seed
एंड जैसे इसको न्यूट्रिशन एंड वाटर मिलेगा तो ये आगे चल के एक बड़ा सा प्लांट बन जाएगा, एंड दो दैट प्लांट विल ग्रो अप एंड बिकम अ ट्री जो आगे चल के हमको फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है किड्स, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ फ्रूट एंड सीड ऑफ अ पिया प्लांट. सो आपको सिंपली एक पिया प्लांट यानी कि वटाना, उसका पिक्चर ड्रॉ करना है और किसी भी एक फ्रूट का, जो कि इजीली आप अपने एक्टिविटी बुक में से देखकर कर सकते हैं. किड्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पहुँचें. वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स बताएं ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपकी हेल्प करते रहें. और वीडियो अगर आपको बहुत ही पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न एवरीवन इज, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, हैप्पी. रेगुलर डैश हैज़ इट्स एडवांटेज. एक्सरसाइज, रेगुलरली अगर आप एक्सरसाइज करते हो, खेल कूदते हो, पीटी करते हो स्कूल में, तो इससे आपको बहुत ही एडवांटेज होता है, आपकी हेल्थ बहुत ही फिट रहती है. डैश डेवलप फ्रॉम फ्लावर्स. द आंसर इज फ्रूट्स. जितने भी फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो मैंगो हो, एप्पल हो, प्लांट पे स्टार्टिंग में एक फ्लावर आता है, वो फ्लावर आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में. मदर सिंग्स डैश टू हर बेबी सो दैट इट विल स्लीप. जब आपको नींद नहीं आ रही होती है तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपको लोरी गाकर सुनाती हैं ना. यस, सो सिमिलरली लोरी को इंग्लिश में बोलते हैं लुलाबीस. सो मदर सिंग्स लुलाबीस टू हर बेबी सो दैट इट विल स्लीप. बेबीज डैश कम आउट वन बाय वन एज इट्स ग्रो. जैसे जैसे एक छोटा बेबी ग्रो करने लगता है तो क्या वन बाय वन आता है, उसका टीथ. और जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो एट अ सर्टन एज जो टीथ होते हैं वो टूट करके उसके जगह पर नए टीथ आ जाते हैं. नेचर डज नॉट डैश बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय इन देयर ग्रोथ. जो ग्रोथ होता है हाइट एंड बॉडी का, नेचर गर्ल एंड बॉय में क्या नहीं करती है, डिफ्रेंशिएट यानी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करती है. नेचर दोनों को एक तरीके से ही ग्रो करती है. आंसर इन ब्रीफ. नाउ हमें जो आंसर होगा वो वन या टू सेंटेंसेस में देना है. अंटिल हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज डू चिल्ड्रंस कंटिन्यू टू ग्रो. कितने एज तक चिल्ड्रन ग्रो करने लगते हैं, तो हमें आंसर यहाँ पे फुल सेंस में देना है. सो विल राइट चिल्ड्रन कंटिन्यू टू ग्रो इन देयर हाइट टिल द एज ऑफ 18. टिल द एज ऑफ 18 हमारी हाइट ग्रो करते रहती है, उसके बाद हाइट ग्रो करना स्टॉप हो जाता है और फिर सिर्फ और सिर्फ वेट इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है. How can good health be maintained? अच्छे हेल्थ को आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हो? So, it's very simple. Good health can be maintained with proper diet. अच्छे खाने से, balanced diet से, fast food, junk food को avoid करके, regular exercise, खेल कूद करके, exercise करके, अपने body को fit रख के, and अच्छे habits को develop करके. Good habits as if cutting your nails on time, cutting your hairs on time, regularly taking bath, brushing your teeth. इससे क्या होता है कि आप का health maintain रहता है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी अगर आप अच्छे habits को follow करते हो. As if kids, अगर आपके nails बहुत ही बड़े हैं, आप कहीं खेलने जाते हो, आप खेलते हो, उसमें बहुत सारा dust and dirt चला जाता है, फिर आप घर आओगे, अगर आप हैंड वॉश नहीं करते हो या फिर हैंड वॉश करते भी हो तो नेल्स के अंदर जो मिट्टी है, जो डर्ट एंड बैक्टीरियाज हैं, वो तो वैसे ही रहेंगे और फिर आप उसी हाथ से खाना खाते हो एंड डायरेक्टली वो सारा कुछ आपके स्टमक में चला जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका स्टमक एक होने लगता है, आपके पेट दर्द होने लगता है. सो गुड हैबिट्स भी डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है. व्हेन डू प्लांट्स बिगिन टू फ्लावर. प्लांट्स फ्लावर देना कब शुरू करते हैं, एट द प्रॉपर स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ प्लांट बिगिन्स टू फ्लावर. एक प्रॉपर स्टेज पे ही जाकर प्लांट्स फ्लावर्स देने लगते हैं. वॉट इज जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या होता है, द स्प्राउटिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जब सीड जो होता है वो स्प्राउट होता है, उसमें से प्लांट ग्रो करने लगता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन. वेन डू न्यू लीव्स आर गिवन आउट बाय प्लांट्स. नए लीव्स कब आते हैं प्लांट में से,
तो जैसे सीडलिंग ग्रो करता है जर्मिनेट करके, वो एक प्लांट में कन्वर्ट होने लगता है, एक प्लांट बनने लगता है. इट अब्जर्व्स द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. उसके आसपास की जो सॉइल होती है, उस सॉइल में से वो सीड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को ऑब्जर्व करता है, और जब वो ऑब्जर्व करता है उसे सफिशेंट फूड मिलता है तो वो भी ग्रो करता है, और उसमें से नए नए लीव्स आने शुरू हो जाते हैं, वो ग्रो करने लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ट्रू यानी कि राइट, फॉल्स यानी कि रॉन्ग. तो सिंपली आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है. एज बेबीज ग्रो, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इट्स हाइट एंड वेट ऑल्सो ग्रो, उनके हाइट और वेट दोनों बढ़ने लगती है. द स्टेटमेंट इज ट्रू. अ प्लांट कैन ग्रो इवन इफ द स्प्राउट डज नॉट टेक रूट इन द सॉइल. अगर सॉइल में रूट नहीं होगा स्प्राउटिंग का तो वो बढ़ेगा. द आंसर इज फॉल्स, बिकॉज जब उसके रूट्स नहीं होंगे तो इट विल हैव डिफिकल्टी ऑब्जर्विंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स. द सीडलिंग ऑब्जर्व्स वाटर एंड सम न्यूट्रिशियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सॉइल. जो सीडलिंग होता है वो मिट्टी में से वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है. द स्टेटमेंट इज ट्रू. हेल्थ रिमेन फिट टिल द एज ऑफ 70. हमारा हेल्थ अच्छा रहता है 70 एज तक? नो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. अगर कोई पर्सन है, उसने अच्छे हैबिट्स, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज नहीं मेंटेन करके रखा है, तो वो कभी भी बीमार पड़ सकता है. सो ये स्टेटमेंट है फॉल्स. स्मॉल बेबीज शुड नॉट बी कैरीड. छोटे बच्चों को कैरी नहीं करना चाहिए. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. छोटे बच्चों को कैरी करना चाहिए सेफली, एंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस जब वो जाते हैं तो उन्हें भी रिफ्रेशमेंट मिलता है. सिक्स, देखो ट्रू और फॉल्स. चिल्ड्रंस गो टू स्कूल आफ्टर द एज ऑफ 10. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. एज पर करंट एजुकेशनल सिस्टम, बच्चों को 2.5 से 3 साल की एज में स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए. हेयर स्टार्ट्स ग्रेइंग आफ्टर द एज ऑफ 40. द स्टेटमेंट इज ट्रू. 40 साल के बाद हमारे जो बाल होते हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं. मेमोरी बिकम्स वीकर इन चाइल्डहुड. द स्टेटमेंट इज फॉल्स. छोटे बच्चों की मेमोरी वीक नहीं होती है, उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा नहीं होता, उनकी ग्रास्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर कम होती है. इनफैक्ट ऑल प्लांट्स डाई इवेंचुअली. सारे जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो धीरे धीरे करके मर जाते हैं. द स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज जैसे एनिमल्स का, ह्यूमंस की लाइफ स्पैन होती है, वैसे ही प्लांट्स का भी, ट्रीज का भी लाइफ स्पैन होता है. जो एक सर्टन लाइफ स्पैन क्रॉस कर जाते हैं वो धीरे धीरे करके मर जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. फ्रॉम जर्मिनेशन प्लांट्स हैव डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. जर्मिनेशन से लेके प्लांट बनने तक जो सीड होता है उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं. द स्टेटमेंट इज ट्रू. पहले वो सीड होता है, उसमें से स्प्राउट निकलता है, फिर वो स्प्राउट एक छोटा सा सैपलिंग बनता है, फिर वो सैपलिंग बन जाता है प्लांट, एंड फिर लास्ट में जाकर वो बनता है बड़ा सा ट्री. सो ये थे आंसर्स ट्रू और फॉल्स के, एंड दिस वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर ग्रोइंग अप एंड ग्रोइंग ओल्ड. आपके और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, तो आप जाकर वहाँ से भी उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़.